मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों जमकर फोटो पॉलिटिक्स हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में अपनी तस्वीरें नहीं लगाने का आग्रह किया। बावजूद एमपी कांग्रेस के द्वारा बनवाए गए पोस्टर पंपलेट्स में दिग्गी की फोटो नजर आई। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने करीब 4 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में नए अध्यक्ष की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। बीजेपी नेताओं ने इस पर तंज कसा है। मामला सामने आने पर शुक्रवार को इस पोस्टर पर पर्दा डालकर ढक दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज से पीसीसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की फोटो अब तक नहीं लगने की वजह बताई। बोले, कांग्रेस कार्यालय में जो तस्वीरें लगनी है हमने उनके डिजाइन फाइनल कर ली है। नई तस्वीरें प्रदेश भर में बदली जानी है, डिजाइन फाइनल होने में थोड़ा समय लगा है। खड़गे को अभी अध्यक्ष बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, बीजेपी जबरन इसे तुल दे रही है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की स्थिति क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। जहां तक खड़गे की फोटो की बात है तो 2 दिन में पीसीसी दफ्तर में उनकी तस्वीरें लग जाएंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीते 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पड़ाव के दौरान लगने वाले बैनर पोस्टर होर्डिंग्स व में फोटो न लगवाने का अनुरोध किया था। दिग्गी के अनुरोध को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने नहीं माना। भोपाल में छपे पंपलेट्स और भारत जोड़ो यात्रा की प्रचार सामग्री में दिग्विजय सिंह की तस्वीरें लगाई गईं। तस्वीर भी नसीब नहीं हो रही पीसीसी कार्यालय में, इससे समझा जा सकता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति क्या कांग्रेसियों की पीसीसी की आस्था है, सोच है, विचार है। ये समझा जा सकता है कि इनके लिए केवल एक ही खानदान महान है। डिजाइन फाइनल होने में थोड़ा समय लगता है, डिजाइनिंग होने के अंदर पूरे प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें बदलनी है, उसमें एडिशंस होने हैं। उनको सोचना चाहिए कि जेपी नड्डा जी की तस्वीरों के साथ साथ उनके मूवमेंट के अंदर क्या सही में वाकई में अध्यक्ष दिखते हैं।